नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी टुडे न्यूज़ पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आऊँ जो कि Flipkart की तरफ से निकल के आ चुका है। लेटेस्ट नोटिफिकेशन है कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूँ तो और बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक करके अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पर जाकर टाइप करना है www.meetacademy.in और फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं और चेक करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं, मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जो है वो लेकर आता ही रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर। सो ये नोटिफिकेशन फ्लिपकार्ट की तरफ से आउट हुआ है जिसमें ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, कोई अदर मोड नहीं है। ऑलरेडी अप्लाई करना जो है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 48 साल तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए निल रहने वाली है, अदर के लिए भी निल। कोई एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे नहीं करनी है। यहाँ पे जो वैकेंसीज आउट हुई हैं सबसे पहली है कस्टमर सपोर्ट की है, उसके बाद है वॉइस प्रोसेस की, असिस्टेंट मैनेजर कंट्रोलशिप की है, एप्लीकेशन इंजीनियर की है, असिस्टेंट मैनेजर सेंट्रल की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की है, एप्लीकेशन इंजीनियर की है, एसोसिएट डायरेक्टर की है, सीनियर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की है, एसोसिएट डायरेक्टर सीनियर की है, सीनियर मैनेजर जीएल अकाउंटिंग की है, अकाउंटेंट मैनेजर जीएल अकाउंटिंग की है, मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की है, पीपल ऑपरेशंस पार्टनर की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की है, मैनेजर लॉयल्टी की है, एसोसिएट टेक्निकल लीड की है, मैनेजर एथिक्स एंड कंप्लायंस की है, मैनेजर एनालिटिक्स की है, सीनियर मैनेजर डिजिटल मीडिया की है और कई वैकेंसीज हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। ये सारी वैकेंसीज इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एक यहाँ पे केपी और बीपीओस के लिए भी हैं, वो भी मैं आपको नीचे बता देता हूँ, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होनी है, यहाँ छोटा मोटा कोई एप्टीट्यूड का टेस्ट आपका हो सकता है, कोई अदर मोड नहीं है यहाँ पे। क्वालिफिकेशन की बात करूँ ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ सैलरी स्केल की बात करूँ तो बेस्ट इन मार्केट सैलरी स्केल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे सारे लिंक अलग अलग दिए हुए हैं। सबसे पहले तो अपना एक CV या जिसको आप रिज्यूम बोलते हैं वो पहले से ही रेडी रख लीजिएगा, क्योंकि रीज़न है कि यहाँ पे आपको ये जो रिज्यूम है अपलोड करना पड़ेगा और उसी के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, उसी के बेसिस पे आपके यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी और यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे, देन आपको कॉल आएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपका यहाँ पे रिज्यूम हो वो अपडेटेड हो, कोई यहाँ पे गलती ना हो, पुराना नहीं होना चाहिए, देन आपको कॉल आएगी। पैसा कोई मांगा नहीं जाएगा आपसे, ज़रूर से इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये आज का नोटिफिकेशन है जो कि आउट किया गया है। अब मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।